हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा दो का इंग्लिश विषय पढ़ाने जा रही हूँ। तो हम आज कक्षा दो में पाठ आठ पढ़ेंगे। तो पाठ आठ में हमारा है एंड। क्या है पाठ आठ हमारा? क्या है एंड? एंड यानी और। एंड यानी क्या होता है बच्चों? और। तो देखो, अंग्रेजी भाषा में जब किसी वस्तु या प्राणी आदि के नाम जातिवाचक और एक वचन में प्रयोग आते हैं तब उनके नामों के पहले ए या एन आर्टिकल लगाया जाता है। यह आप सीख चुके हैं, जैसे कि ए कैट, एन एप्पल। तो फिर से पढ़ेंगे। अंग्रेजी भाषा में जब किसी वस्तु या प्राणी आदि के नाम जातिवाचक और एक वचन में प्रयोग आते हैं तब उनके नामों के पहले ए या एन आर्टिकल लगाया जाता है। यह आप सीख चुके हैं, जैसे कि ए कैट और एन एप्पल। तो बच्चों, पहले मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ ये। तो अब हम आगे आज दूसरा पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में दो शब्दों को जोड़ने से के लिए उनके बीच और लिखा जाता है। ठीक इसी तरह अंग्रेजी एंड का उपयोग किया जाता है ना बच्चों? देखो, हम हिंदी भाषा में दो शब्द होते हैं, उसको जोड़ने के लिए बीच में और यानी एंड लगाया जाता है। और ठीक उसी तरह अंग्रेजी में एंड का उपयोग करा जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एंड। तो देखो, अब यहाँ पे हम देखते हैं ए कॉक एंड ए डक। ए कॉक एंड ए डक, ए कुक एंड ए डक। तो ये क्या है? मुर्गी है और बतख है, दोनों देखो खेल रहे हैं ना। फिर ए बॉट एंड अ शिप। तो बॉट और शिप दोनों है। ये क्या है? बॉट है और ये क्या है? शिप है। तो इसमें हमने क्या किया, इस वाक्य में ए लगाया है, क्या लगाया है? एंड लगाया है। एंड लगा के हमको वाक्य पूरा करना है। अब बॉट और शिप तो लिख नहीं सकते, तो एंड लिखना पड़ता है। एंड यानी और होता है, तो इसमें एंड लगाया है। फिर एन एप्पल एंड एक्स, एन एप्पल एंड एन एक्स। तो देखो यहाँ क्या है, हमारा ए दिया हुआ है ना, तो ए दिया होगा तो क्या होगा, एन लग जाएगा। क्या होगा? एन लग जाएगा। अब एंड ऑन एक्स, तो यहाँ भी क्या है, ए दिया है तो क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। तो एन एप्पल एन एक्स। अब देखो यहाँ पे ए गन एंड ऑन एरो, ए गन एंड एन एरो, ए है तो क्या लगेगा, हमारा ए लगेगा। तो अब देखो बच्चों, चित्रों के अंग्रेजी नामों के साथ ए अथवा एन का उपयोग करके एंड द्वारा जोड़ना है हमको। क्या करना है? ए और अथवा लगा के एंड द्वारा हमको क्या करना है बच्चों? जोड़ना है। तो हम देखेंगे। अब देखो, ए बुक एंड ए बैग। क्या है? ए बुक एंड ए बैग। तो ए है ना, बी है तो ए लगाएंगे, यहाँ भी बी है तो ए लगाएंगे। तो क्या होगा? ए बुक एंड ए बैग। फिर देखो, ए कैट एंड ए डॉग, ए कैट एंड ए डॉग। तो यहाँ पे सी है ना, तो ए आ जाएगा, और डी है तो ए आ जाएगा, और एंड हम लगाएंगे तो क्या होगा, ए कैट एंड ए डॉग। फिर देखो, ए क्राउ एंड एन ओवल, ए क्राउ एंड ए ओवल। तो हो गया ना हमारा, ये ए लगाया है और यहाँ ओ है दिया है ना हमको, ओ लेने ओ दिया है ना, तो एन हो जाएगा। क्या होगा? एन हो जाएगा। फिर देखो, ए कार एंड ए बस, ए कार एंड ए बस। तो हम यहाँ लगाएंगे एंड और ए दोनों में लगाएंगे। अब देखो, ए बैट एंड ए बॉल, ए बैट एंड ए बॉल। तो ये बी दिया है तो ए आएगा, बी दिया है तो ए आएगा। तो क्या करेंगे, ए लगाएंगे, फिर बैट का स्पेलिंग है, फिर एंड बनाएंगे, एंड यानी और ए फिर वापस से लिखेंगे और बॉल लिखेंगे ए। फिर देखो, एन एक्स एंड ए पेन, एन एक्स एंड ए पेन। तो एन लगाएंगे पहले, फिर एक्स लगाएंगे एंड ए पेन। तो यहाँ ए दिया है ना, ए की जगह हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन एक्स एंड ए पेन। तो इस तरह से हमको करना है। फिर देखो, हमारा पीछे है ए माउस एंड ए अंट, ए माउस एंड ए अंट। तो माउस यानी चूहा, एंट यानी वो चींटी। तो क्या होगा बच्चों? ए माउस, तो एम है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, और एंट है तो ये ए दिया है तो हमको यहाँ पे एन लगा देना है। तो ए माउस एंड ए
अंट। अब देखो ए काउ एंड ए पिग, तो यहाँ पे पिग लिखना है और यहाँ काउ लिखना है, ए काउ एंड ए पिग। अब यहाँ ई आ गया हमारा, देखो एग है तो ई आ गया, तो एन लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन एग एंड ए हैं, एन एग एंड ए हैं। फिर देखो ए टॉप एंड ए पिन, ए टॉप एंड ए पिन, यहाँ पे टी है और पी है तो ए ए लगेगा, ए टॉप एंड ए पिन। फिर ए हैट एंड ए फैन, ए हैट एंड ए पेन फैन। तो देखो हैट किसको बोलते हैं, टोपी को, तो एच ए टी हैट, और फैन एफ ए एन फंका। फिर देखो ए कप एंड ए जग, तो कप यानी हमारा कप की स्पेलिंग हो गई, जग ये हो गया, तो ए कप एंड ए जग। अब देखो ए पॉट एंड ए कॉट, ए पॉट एंड ए कॉट, तो पॉट यानी हमारा घड़ा हो गया है और कॉट यानी हमारी खटिया हो गई, तो ए पॉट एंड ए कॉट। तो बच्चों इस तरह से एक बार फिर से आपको समझा दूँ, ये तो आपको देख देख के समझना है, इसमें फिर से समझा दूँ। फन टाइम हमारा है चित्रों के अंग्रेजी नाम के साथ ए एन का उपयोग करके एंड द्वारा जोड़ना है, तो ए बुक एंड ए बैग, ए बुक करना है, ए एंड ए बैग करना है, ए कैट एंड ए डॉग, ए कैट एंड ए डॉग। फिर देखो ए क्राउ एंड एन ओवल, तो ये क्या होता है, उल्लू होता है और इसको क्या बोलते हैं, कौवा बोलते हैं, और इधर देखो इसको बिल्ली बोलते हैं, कैट यानी बिल्ली, डॉग यानी कुत्ता। फिर देखो यहाँ पे क्या है, कौवा है और उल्लू है। फिर देखो ए कार एंड ए बस, तो ये कार यानी हमारी जो मोटर कार होती है वो, और बस हमारी जो बस होती है वो। अब देखो ए बैट एंड ए बॉल, तो ये क्या है हमारा, बैट है और ये क्या है, बॉल है, तो बैट एंड ए बॉल। फिर एन एक्स एंड ए पेन, तो ये क्या है, एक्स यानी हमारी कुहाड़ी कुल्हाड़ी होती है ना वो, और ये पेन यानी हमारा लिखने वाला पेन, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स और इसको पेन, स्पेलिंग है ए एक्स ई पी ई एन एन एक्स एंड ए पेन। अब देखो ये क्या है, ए माउस एंड ए अंट, तो ये क्या है, माउस यानी चूहा और एंट यानी कीड़ी, तो ए माउस एंड ए एंट। फिर देखो ए काउ एंड ए पिग, ए काउ एंड ए पिग, तो ये सॉरी ये गाय है, पिग यानी सुअर होता है, क्या होता है बच्चों, पिग यानी सुअर होता है। फिर एन एग एंड ए हैन, तो एग यानी अंडा, हैन यानी मुर्गी, तो एन एग एंड ए हैन। फिर देखो ए टॉप एंड ए पिन, तो टॉप यानी भमेड़ा और पिन यानी टाकनी, तो क्या होगा, ए टॉप एंड ए पिन। फिर ए हैट एंड ए फैन, तो ये क्या है हमारा, टोपी है और ये क्या है, पंखा है, तो इसका फैन का लिखेंगे स्पेलिंग और टोपी का हेड लिखेंगे। फिर ए कप एंड ए जग, तो कप का स्पेलिंग है सी यू पी कप, और जग का स्पेलिंग है सी यू जी सी यू जी, तो जे, तो हो गया। फिर देखो ए पॉट एंड ए कॉट, तो कॉट यानि घड़ा और कॉट यानि खाटला, खाटला यानी खाट जो होती है वो। तो इस तरह से बच्चों एक बार मैं आपको फिर से पढ़ के बता देती हूँ, ये एक्सरसाइज आपको करनी है, ए कैट एंड ए डॉग, ए कैट एंड ए डॉग, ए क्राउ एंड ए फूल, ए कार एंड ए बस, ए बैट एंड ए बॉल, एन एक्स एंड ए पेन, एन एक्स एंड ए पेन। फिर ए माउस एंड एन अंट, ए माउस एंड एन अंट, ए काउ एंड ए पिग। फिर एन एग एंड ए हैन, ए टॉप एंड ए पिन, ए हॉट एंड ए फैन, ए हॉट ए हैट एंड सॉरी ए हैट एंड ए फैन, ए कप एंड ए जग, ए पॉट एंड ए कॉट। तो बच्चों आज आपको होमवर्क में पेज नंबर 33 और 34 इतना आपको करना है, तो बच्चों पेज नंबर 33 34 आपको भरना है, और मैं आगे का वीडियो अगले पीरियड में लूँगी, आप इतने तक सद्य पोथी कंप्लीट रखेंगे, कल मैं इसका फ़ोटो भेज दूँगी,
आज इसका मैं फ़ोटो आपको भेज दूँगी, आप फ़ोटो में देख के लिख सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले पीरियड में मैं कराऊंगी, पर आप जितना आपको आता है उतना समझ समझ के आप इसमें लिखेंगे। जो नहीं आता है तो वीडियो क्लिक करके आप लिख सकते हो, और ऐसा होगा तो मैं फ़ोटो भी भेज दूँगी बच्चों। तो आप इसमें कंप्लीट करके पार्ट 8 तक, चैप्टर जो 8 है हमारा, वहाँ तक कंप्लीट करके रखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।